तू मैनू भुले ना कदे, मैं ना भुला तैनू। तेरे बिना रुक जाऊंगा, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे में भी सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं आज आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ हैप्पीनेस बार, जो कि जिसको पहले बोला जाता बुद्धा पार। तो गाइस चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। फिलहाल हम लोग आ गए हैं हैप्पीनेस पार। तो भैया जी, फिलहाल हमने गाड़ी खड़ी कर दी और हैप्पीनेस पार के अंदर आ चुके हैं। अभी फिलहाल पार्किंग में और साइड चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। और ये लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है सूरज का, और वो सामने देखिए कंगारू, वो देखिए कंगारू बना है। तो धीरे धीरे, अबे कंगारू है, गोरिल्ला है, गोरिल्ला, सॉरी 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 सर। और आज हमारे साथ हैं मोनू भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वो देखो गोरिल्ला मुंह में, गोरिल्ला के मुंह में सीढ़ी लगी है। और ये हमें लग रहा है बड़ा सा गोरिल्ला बना हुआ है यहाँ पर, अभी ये डेवलप नहीं हुआ, बन रहा है। पता है ये सब, पता है वेस्ट मटेरियल से पूरा बना हुआ है। देख रहे हो पूरा सब वेस्ट मटेरियल, सरियों से बना हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे कैसे खेल रहे हैं। वो देखिए कहाँ पहुँच गया, क्या हुआ, क्या देखने चले गए पीछे, क्या देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, अभी जग जाएगा, जग जाएगा, लात मारेगा, यही वाला पैर पीछे पड़ेगा बन से, उधर गिरोगे जाके। हाँ भाई, वेस्ट मटेरियल से बना है, गाड़ी के पार्ट्स लगे हैं, ये साइकिल का वो है क्या कहते हैं इसको, रिम रिम, हाँ, जिसपे चैन अटकाई जाती है। जी फिलहाल ये एंट्री है पार्क की, और काफ़ी देर बाद हमको टिकट मिला है, 100 रुपये का टिकट एक आदमी का है, और उमेर भाई अब टिकट देंगे। तो भैया जी फिलहाल हम पार्क के अंदर आ चुके हैं, और सामने जो पार्क में जो कुछ भी आपको दिखाएंगे अधिकतर चीज़ें सारी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। और फिलहाल अभी मेरे सामने देखिए उल्टी झोपड़ी, ये देखिए उल्टी झोपड़ी बनी हुई है, वो ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से पूरा बना हुआ है। तो लेट्स एक्सप्लोर गाइस, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लोग आ ही रहे हैं। उमेर भाई, काफ़ी देर बाद टिकट मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया भाई। तो चलो गाइस एक्सप्लोर करते हैं। तो वो सामने देखिए बना हुआ है चल मेरा हाथी, गाइस सामने देखिए यहाँ पे बने हुए हैं इमोजीज। जी फिलहाल यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है, जैसे पहले भी बुद्धा पार्क में सुविधा हुआ करती थी, बोटिंग की भी सुविधा है। तो लोग देखिए बोटिंग कर रहे हैं। मोजी बना हुआ है अंधा, बहरा और गूंगा वाला ही मोजी बना, यहाँ पे फोटो खींचिए और इस पे शेयर करिए। और यहाँ पे आपको गाड़ी की भी ट्रेन की भी सेवा है, जो कि आपको पूरा पार्क एक्सप्लोर कराएगी। सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू। तो भैया जी फिलहाल यहाँ पे एक कार जैसी दे रखी है, जो कि आप यहाँ पे अपनी सेल्फी वगैरह ले। भाई इसमें देखिए पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। सारे दिन दिया गल्लां बह के दसा मैं तेनू, तू मैनू भुले ना कदे, मैं ना भुला तैनू। अभी हम लोग चल रहे हैं, अब बॉलीवुड स्टाइल बना है आगे, और आपको वो दिखाते हैं। उमेर भाई बड़े बिजी हैं। अरे हम बिजी नहीं हैं, हम यही हैं। बिजी हैं यार, ये बिजी हैं भाई, बिजी हैं। हाँ, तो अभी आगे चल रहे हैं, बॉलीवुड स्टाइल टाइप का बना हुआ है, आपको वो दिखाते हैं। बॉलीवुड सेक्शन में आ गए, यहाँ पे बहुत सारे डमी टाइप के बने हुए हैं। ये देखिए बना हुआ है हम साथ साथ हैं मूवी का बना हुआ है। तो भैया ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे ओम शांति ओम, ये देखिए मोनू आएंगे, ये ओम शांति ओम। यहाँ पे बना हुआ है एक था टाइगर, टाइगर की लैला है, टाइगर की लैला कौन। और यहाँ पे बना हुआ है डमी कुछ कुछ होता है मूवी का, मैं ना भुला तैनू। ओ सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तैनू लब्बा ते। भैया जी चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को, काफी अच्छा पार्क है देखने में, और काफी वेल एंड डेवलप मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा सा दिन बाद और डेवलप हो जाएगा कुछ कुछ, जहाँ पे जैसे फर्श नहीं बना है बन जाएगा। तो चलते हैं और आज और एक्सप्लोर। सारे दिन दिया गल्ला बह के दसा मैं तेनू, तू मैनू भुले ना कर दे, मैं ना भुल। तो भैया जी यहाँ पे बनी हुई है स्केट का बना हुआ है पूरा स्केटिंग रिंग, यहाँ पे बच्चों की स्केटिंग के लिए, बट हमें मेरे हिसाब से भी स्टार्ट नहीं हुआ है,
तो लिखा हुआ तो स्केटिंग रिंग है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ये बना हुआ है खाता पीता परिवार। अबे तो मेरे परिवार से बिलोंग करता है खाता पीता परिवार। जो भी मेरे परिवार से देख रहा ब्लॉग तो ये हम लोग के लिए है, सही है। पेट से सोचना है, ये तुम्हारे लिए है भाई। बुद्धा पार्क में मतलब हैप्पीनेस पार्क में, चलो पुरानी चीज कुछ दिखी बुद्धा, जो कि बहुत से लोग पूछ रहे थे हैप्पीनेस पार्क में बुद्धा है कि नहीं है। फिलहाल हम लोग लगभग पार्क पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है संडे के मारे कि क्या बताएं आपको, बस सिनेमैटिक निकालने आफत समझिए एक तरीके की। और ये हमारे उमर भाई जो आए हैं साथ में, ये 24 घंटे बिजी रहे हैं फोन में। 24 घंटे तो हुए भी नहीं आए हुए। अरे मतलब कि जो भी घंटे 4-5 घंटे हुए ब्लॉगर में सस्ते नशे करे तो भैया जी उमर भाई क्या खिला रहे हैं आज? आज लाने जाएंगे तो बीफ का पसंदा और बड़े के चाप, छोटे की निहारी। अरे वाह वाह। और भाई सपने हैं, सपने दिखने सपने यार। ठीक है तुम सपने, अभी तुम ब्लॉग में ना डालना। डालेंगे अगर खिलाओगे तो भाई जरूर डालेंगे। और बताएं इधर इसकी बिरयानी और बंटू भाई की सिकंजी। बंटू भाई सिकंजी बहुत दूर पड़ गई, जा नहीं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन हैप्पीनेस पार्क हो आया है, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी, उनको भी एक्साइटमेंट हो पार्क को विजिट करने का और मेरे वीडियो को भी देखेंगे वो लोग। तो गाइस प्लीज शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।